आता जी अतिशय मोठी बातमी आहे, मराठा आरक्षणाला ज्यांनी न्यायालयात चॅलेंज केलेलं आव्हान दिलेलं आहे त्या ऍडव्होकेट गुणरत्न सदावर्तेंवरती हल्ला झाल्याची बातमी आपल्यापर्यंत येते. कोर्टामध्ये त्यांच्यावरती हल्ला झालेला आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात सदावर्ते यांनी अहवाल दाखल झाल्यानंतर एटीआर शासनानं स्वीकारल्यानंतर याचिका दाखल केली होती, त्यावर सुनावणी सुरू आहे. आज त्याबद्दल कोर्टाचं मत समोर येणं अपेक्षित आहे आणि त्याचवेळी ऍडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावरती हल्ला झालेला आहे. नहीं, हमें दिया जा रहा है पब्लिक डॉक्यूमेंट की तौर पर, उस पर माननीय न्यायालय ने ये कहा क्या ये देना मुनासिब है या नहीं है, तो उसके बाद न्यायालय ने ये कहा कि आप राज्य सरकार से ये जवाब ले कि वो रिपोर्ट को वकीलों को जिन्होंने मराठा आरक्षण को विरोध किया है उनको वो इंस्पेक्शन दे सकते हैं या क्या. हमें हमारे लिबर्टीज के बारे में हम बात उठाई गई कि हम मीडिया से क्यों बात करते हैं, उस पर हमने जितने भी हमें 1000 के करीब धमकियां दी है, जान मारने की धमकियां दी है, हमने कहा कि राज्य सरकार जानती है कि हमें हमारा मर्डर भी कर देंगे, ये हमने माननीय न्यायालय से न्यायालय के ध्यान में लाकर दिया है. कोर्ट ने कुछ कहा उसके ऊपर? उसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि इस तरह से आप यानी दोनों पक्ष को कहा कि इस तरह से किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाए. मी जालना जिल्ह्यातला आहे, त्याला मला उपटो माहिती काय उपट्याची काय चल तू निसतो बाहेर 10 किलोमीटर.